मध्य प्रदेश की बात की जाए तो विधानसभा में आज लेखानुदान पेश होगा और इसमें सरकार के चार महीने के आय व्यय का ब्यौरा होगा। इसके माध्यम से अप्रैल से जुलाई तक विभागों का योजनाओं में खर्च करने की राशि आवंटित भी होगी। यह अंतरिम बजट है, इसलिए सरकार कोई नई घोषणा नहीं करेगी। वहीं एमपी सरकार अपना पूर्ण बजट जुलाई के मानसून सत्र में पेश करेगी और लेखानुदान में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के साथ ही पार्वती काली सिंधी और चंबल नदी परियोजना के लिए भी टोकन राशि का जिक्र होगा। लेखानुदान में प्रमुख योजनाओं के लिए प्रावधान हो सकते हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शिक्षा में सीएम राइज और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए प्रावधान हो सकता है, तो वहीं विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आहार अनुदान योजना का भी जिक्र होगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, आज विशेष सत्र होने वाला है और क्या कुछ खास इस बजट सत्र में? देखिए, अगर बजट सत्र की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आज ही का है, क्योंकि आज लेखानुदान जो है पेश किया जाएगा और जब लेखानुदान पेश होगा तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये होगी देखने की कि किस तरह से योजनाओं को लेकर लाडली बहना के लिए कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद बंद किया जाए, उसे आश्वस्त करने के लिए चार महीने की जो राशि है वो जो है आज विभागीय प्रावधान उसमें किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा फोकस टाइपो बैंड पे है, आदिम जाति जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए बड़ी तीन अलग अलग स्तर पे होगी। सबसे बड़ा बजट जो माना जा रहा है वो आवंटित होगा, चार महीने का मामला है, चार महीने बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा और इस लिहाज से जो है अगर चार महीने के लिए भी लगभग 1200 करोड़ आदिम जाति कल्याण के लिए जो है वो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो योजना है देखा जाए तो चार महीनों के लिए जो सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है वो महिलाओं पे फोकस रहने वाला है, दूसरा आदिवासियों पे फोकस रहने वाला है, छात्रवृत्ति को लेकर सबसे बड़ी समस्या है जो रुक गई है, फंडिंग नगरीय निकायों में और शिक्षा विभाग में उसको लेकर भी आज लेखानुदान में जो है क्या क्या है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अभी तक इस बात की घोषणा वित्त मंत्रालय ने नहीं किया कि किस तरह से हर विभाग का लिखा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो जो बड़े विभाग है ट्राइबल के लिए है, लाडली बहना के लिए अगर करें तो करीब 250 करोड़ रुपए की राशि है। इसी तरह से अगर हम देखें प्रधानमंत्री आवास योजना की अगले तीन महीनों के लिए 1/3 का जो मंत्री का हिस्सा है वो स्वीकृत है, तो पूरी तरह से देखा जाए तो लोकसभा के पहले अगले चार महीनों में किसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जिन योजनाओं का वो सुचारू रूप से जारी रहे इसकी कोशिश आज जो है लेखानुदान में नजर आने वाली है। जगदीश देवड़ा की बिल्कुल अनुराग, हमें बता रहे हैं कि वो कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसका जिक्र इसमें होगा और ये भी आपसे समझना चाहेंगे चूंकि मुख्य बजट अभी पेश नहीं होगा तो वो ऐसा कौन सा है प्रावधान इसमें रखा गया है, किस तरह का लेखा जोखा वह आज प्रस्तुत होने जा रहे हैं? देखिए, ना तो ये देखिए तो अंतरिम बजट है और ना ही ये पूर्ण बजट है। दरअसल पूर्ण बजट पेश किया जा सकता है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी गरमा रही है, क्योंकि अगर विपक्ष का कहना यह है कि पूर्ण बजट लाने की सरकार कोशिश इसलिए नहीं कर रही है कि सामने लोकसभा चुनाव है और बड़ी बड़ी घोषणाएं विधानसभा के दौरान कर दी गई है और सरकार उस पर आश्वस्त नहीं करना चाहती है, उसका जो है आवंटन नहीं करना चाहती है जो बड़े बड़े वादे किए गए थे और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं पूर्ण बजट से परहेज कर रही है, ये पक्ष का आरोप है। हालांकि इसमें कुछ हद तक की सच्चाई भी है, लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर बड़ा कारण देखें वो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो मध्य प्रदेश इस समय बड़े स्तर पर फेस कर रहा है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार जब नई सरकार आई है तो कैबिनेट में अलग अलग प्रस्ताव लाके आरबीआई से मिलके केंद्र से मिलके अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहती है, लेकिन केंद्र भी अभी उस स्थिति में नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर भाजपा को ये लगता है या डॉक्टर मोहन यादव उनकी सरकार को लगता है कि भाजपा की सरकार आएगी तो बड़े आवंटन मिल जाएंगे और उसके बाद मध्यप्रदेश पूर्ण बजट लाने की स्थिति में होगा, तो यही एक बड़ा अंतर है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल मध्यप्रदेश सरकार लेखानुदान लाने को मजबूर हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा में लेखानुदान भी आज पेश होगा और आपको बता दें बजट सत्र लगातार चल रहा है और कई प्रमुख योजनाओं में प्रावधान हो सकते हैं।